सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आजकल व्यक्ति दिन भर किसके लिए काम करता है? परिवार के लिए। हाय हाय किसके लिए करता है? बच्चों के लिए। पता नहीं क्यों करता है। अच्छा, आप लोग इतना कमाते हैं फिर भी दुखी हैं, इतना कमाते हैं फिर भी परेशान हैं। बताओ चिड़िया क्या काम करती है? आप कहते हैं महाराज जी काम नहीं करेंगे तो खाने को भगवान देंगे, भगवान खिलाएगा? अरे हम कहते हैं विश्वास है तो खिलाएगा। बताओ चिड़िया कौन सा काम करती है? चिड़िया ऑफिस जाती है, बिजनेस करती है, व्यापार करती है, क्या करती है? कुछ नहीं करती। क्या चिड़िया बिना कुछ किए भूखी मरती है? चींटी कौन सा काम करती है? क्या भूखी मरती है? अजगर कौन सा काम करता है? क्या भूखा मरता है? अरे पशु पक्षी कोई काम नहीं करते, मनुष्य के सिवा कोई जीव कोई बिजनेस व्यापार कुछ नहीं करता, कोई पैसा नहीं कमाता, लेकिन कोई भूखा मरता है? भगवान चींटी से लेके हाथी तक को भूखा नहीं मरने देते, तो तुम्हें और हमें क्या भूखा मरने देंगे? एक बार विश्वास तो करो, उनके बनो तो सही। कहां भूखा? अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। सबका पालनहार भगवान, भगवान सबके पालनहार हैं। जीव ना जाने क्यों परेशान है। हम ये नहीं कहते कि तुम मेहनत ना करो, हम ये नहीं कहते कि तुम पैसा ना कमाओ, कमाओ पैसा खूब कमाओ, लेकिन जितना है उतने में संतुष्ट रहो और खुश रहो। आज आदमी हाय हाय के चक्कर में दुखी हो जाता है। आज उसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि वो अपनी इच्छाएं की पूरी करते करते इच्छाएं नहीं होती तो रोता है। काहे रो रहे हो भैया? बोले हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो सवाल ये खड़ा हुआ, इतनी इच्छाएं तुमने क्यों बनाई? क्यों की? किसने कहा था? किससे पूछ के तुमने इच्छाओं को जन्म दिया? कंट्रोल करते, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं जितना चादर हो उतना ही पांव पसारना चाहिए। इच्छाओं पर कंट्रोल, नियंत्रण, अंकुश लगाओ। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। कछुए को आपने देखा होगा, कछुए की पांच चीजें बाहर होती हैं और पांचों चीजें वो अंदर भी कर लेता है। बताओ क्या क्या? कछुए को देखा आपने? जब उसे चलना होता है तो पांच चीजें बाहर कर लेता, दो हाथ दो पांव और एक मुंह गर्दन अपनी वो बाहर कर लेता और चलता है ऐसे ऐसे, और देखता है कि कोई खतरा है सिकुड़ के अंदर कर लेता है। देखा ना आपने? बस जरूरत हो तो हाथ पांव बाहर चलाओ, जब लगे कि हाँ खाने को रोटी नहीं है तो कमा लो, आनंद से रहो, और जब देखो कि भगवान ने अब दे दिया दाल रोटी घर में है, बड़ी आनंद है, तो अपनी इंद्रियों को अपनी इच्छाओं को कछुए की तरह सिकोड़ के और आत्मचिंतन भगवान के चिंतन में लग जाना चाहिए कछुए की तरह।